नहीं, हम अपना फ्रंट एंड पे काम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोजेक्ट ओपन करो जरा सारे, तो कल वाले सबका ओपन है। लेआउट में जाओ, लेआउट के अंदर हमारी फ्रंट एंड फाइल आ रही है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के नाम से। सबका इस तरह का डिजाइन आ रहा है, फाइल ओपन करो। सबका ऐसे ही आ रहा है, बिल्कुल ना टॉप राइट साइड पे आपके पास लिखा होगा कोड डिजाइन और स्प्लिट, सबका लिखा आ रहा है। डिजाइन पे क्लिक करोगे सिर्फ डिजाइन आ जाएगा, कोड पे क्लिक करोगे सिर्फ कोड आ जाएगा। हमने जो यूज करना है वो स्प्लिट, साथ साथ हम कोड कर रहे होंगे। राइट साइड पे आपको उसका क्या शो होता जाएगा, रिजल्ट के डिजाइन शो होता जाएगा। सबका बाय डिफॉल्ट ये कोड आ रहा है जो मेरे पास आ रहा है, सबका ऐसे ही है, सबका ये कोड आ रहा है। ओके अब सब लोग क्या करें, इस टेक्स्ट व्यू वाले कोड को कर दे रिमूव। टेक्स्ट वाले कोड को आप क्या करते हैं, रिमूव कर। सबका बिल्कुल नहीं था, इतना कोड रह गया। अब यहाँ पे देखो टूल्स डॉट कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन आ रही होगी, इसका लेस देन का साइन नहीं छेड़ना, बाकी को ये देखो जिस तरह मैंने किया है रिमूव कर दो। लेस देन का जो साइन है, क्लोजिंग साइन है, वो आप नहीं छेड़ना, बाकी डिलीट कर। ठीक है, एरर तो नहीं आ रहा अभी तक। अब ऊपर दो लाइंस आपकी भी ग्रे से कलर में हो गई हैं, XMLNS वाली, इन दो लाइंस को भी रिमूव कर। ठीक है, अब सिर्फ ये दो लाइंस रह गई हैं, एक लेआउट विड्थ और एक लेआउट हाइट, सबकी इसी तरह आ रही हैं। ठीक है, ओके हाँ वो भी डिलीट कर। ठीक है, अब ऊपर आपके लिखे आ रहा है कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, सब इस कंस्ट्रेंट लेआउट को करें इस तरह रिमूव। यहाँ पे आपने लिखना है रिलेटिव लेआउट। अभी दोबारा देख लें, पहला स्टेप है आप इस टेक्स्ट व्यू को रिमूव करें। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा है ये टूल्स डॉट कॉन्टेक्स्ट की लाइन आ रही है, लेस देन जो ब्रैकेट या साइन के अलावा, इसको रिमूव करें। ऊपर आपकी XMLNS वाली ये दो लाइंस आ रही हैं, इसको रिमूव करें। ठीक है, अब सिर्फ दो चीजें रह गई, एक लेआउट विड्थ और दूसरी लेआउट हाइट। यहाँ पे लेआउट कौन सा टॉप पे आ रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट, ये देखो इसको मैंने रिमूव किया, नीचे भी ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, इसकी जगह आपने लेना है रिलेटिव लेआउट, इसकी जगह आपने क्या ले लेना है, रिलेटिव लेआउट। तो ये आपका फ्रंट एंड का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये आपकी फ्रंट एंड कोडिंग का क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सबको याद है आगे कोड। ओके तो मैं थोड़ा सा आपको लेआउट को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी इन सबको मैं बताता हूँ। चलिए, सो एचटीएमएल पे कितने लोगों ने काम किया? मैंने सर। ओके ओके ओके, तो आप लोगों को कोड थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा होगा। ठीक है, लेस देन का साइन है, टैग स्टार्ट हो रहा है, टैग के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है, इक्वल टू के अंदर बात क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है। ठीक है, बाकी आप लोगों को बताता हूँ, फ्रंट एंड में जितना भी कोड होगा उसमें तीन चीजें हैं, टैग्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। फ्रंट एंड का आपका जितना भी कोड होगा उसमें कितनी चीजें हैं, टैग्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। ठीक है, देखो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का अच्छी तरह आइडिया हो गया आपको कि नहीं, तो कोई भी रियल टाइम एनवायरनमेंट, रियल टाइम आपके पास कोई भी फिजिकल चीज है उसको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन कर सकते हो। क्लास के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टीज है, फंक्शन है। ठीक है, चेयर है, ये क्या कॉम्पोनेंट या क्लास है। ठीक है, इसका एक फंक्शन है सेट कलर का, और पैरामीटर में रेड ब्लू ग्रीन या व्हाइट, एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये चेयर क्लास आई, सेट कलर उसकी प्रॉपर्टी आई, ब्लू ब्लैक व्हाइट क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फ्रंट एंड में जितना काम होगा आपने इन तीन चीजों को यूज करते हुए करना है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा टैग, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैग। अब टेबल का ऑब्जेक्ट हो सकता है, कप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, बटन का हो सकता है, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट हो सकता है।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय क्या आएगा, टैग। टैग हमेशा स्टार्ट होता है लेस देन के साइन से। टैग हमेशा किससे स्टार्ट होगा, लेस देन के साइन से, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ कलर उसकी प्रॉपर्टी है, कलर उसकी क्या आ रही है, प्रॉपर्टी आ रही है इक्वल टू में रेड ग्रीन ब्लू या व्हाइट, ये उसकी क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो जितना भी काम होगा टैग, वो कंपोनेंट क्या है, प्रॉपर्टी उस कंपोनेंट की किस चीज को कस्टमाइज करना है, और वैल्यू उस कस्टमाइजेशन की वैल्यू क्या आ रही है। हाइट एक प्रॉपर्टी है, 100 उसकी वैल्यू है, ठीक है। बटन एक एलिमेंट है, बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर में ऑरेंज उसकी वैल्यू है, तो एक बटन बन जाएगा ऑरेंज कलर का। इस तरह आपके पास टैग्स, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज में क्या होगा, आपका सारा का सारा काम। ये पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है। टेक्स व्यू जो आप लोगों ने डिलीट किया है वो एक टैग है, ठीक है। उसके अंदर टेक्स्ट कलर एक प्रॉपर्टी है, रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट क्या है उसकी वैल्यू है, ठीक है। टेक्स व्यू एक टैग है, ठीक है। आपके पास बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और बैकग्राउंड में एक तस्वीर आपने अटैच किया उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो टैग्स होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी और वैल्यूज होंगी, जितना भी आपका एक्सएमएल में काम, ठीक है। सबसे पहले टॉप पे हमारे पास आते हैं लेआउट्स। सबसे पहले टॉप पे या सबसे बिल्कुल आपके रूट एलिमेंट है वो क्या आते हैं, आपके लेआउट्स आते हैं, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने या ऑनलाइन आप लोग जितने लोग हैं, आप सबको डिव का आईडी है, डिव टैग किस लिए यूज करते हैं आपको आइडिया होगा, डिवीजन के लिए। ओके, हम डिव टैग यूज करते हैं वेब में जब आपने एक बॉक्स के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स प्लेस करना है, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर आपने क्या करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स प्लेस करना है, ठीक है। आप सपोज करो कि जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, टेबल है, एलईडीज हैं, लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये सारे के सारे टैग्स हैं। ये किसके अंदर है, कमरे के अंदर। जो रूम होगा वो आपका ले, जो एक कमरा है ना जिसके अंदर सब कुछ आ रहा है वो आपके पास क्या होगा, लेआउट होगा, ठीक है। तो लेआउट आपके पास कह रहे हो कि एक फोर साइडेड बॉक्स है जिसके अंदर हम बटन, इमेजेस, वीडियोस, चेक बॉक्सेस, आपके पास इनपुट फील्ड्स, आउटपुट फील्ड्स, आइकन्स वगैरह, जो कुछ भी आपने एलिमेंट्स को प्लेस करना है वो लेआउट्स के अंदर, कहां पे करेंगे, लेआउट्स के अंदर। ये पॉइंट समझ आया, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप के लेआउट हमें क्या डिफरेंट टाइप की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिलेटिव लेआउट आप लोग तब यूज करते हैं जब आपने क्या करनी है, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, एलिमेंट्स की प्लेसमेंट, आपने कहना है स्क्रीन के बिल्कुल टॉप राइट पे एक एलिमेंट आ जाए, तो उसके लिए लेआउट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो बिल्कुल स्क्रीन के नीचे और सेंटर में एक बटन आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो लेआउट या एक आपके पास कहने रूम है जिसके अंदर प्लेस करना है वो कौन सा होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो इमेज के नीचे, इमेज के लेफ्ट पे, इमेज के राइट पे दूसरा इमेज या टेक्स्ट आ जाए, उसके लिए भी लेआउट कौन सा यूज होगा, तो रिलेटिव यूज होता है जब आपने पेरेंट के मुताबिक या किसी दूसरे एलिमेंट के मुताबिक एक एलिमेंट को प्लेस करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, रिलेटिव लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट हम यूज करेंगे जब आपने क्या करना है, स्क्रीन की पार्टीशंस करना है, जब आपने क्या करना है, स्क्रीन की पार्टीशंस, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, पार्टीशंस करो या एलिमेंट को प्लेस करो बट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीनियर लेआउट। स्क्रोल को आपसे नाम से आइडिया हो रहा होगा क्या कर रहा होगा, मेक स्क्रीन स्क्रोलेबल, जिसमें आप अप डाउन क्या कर सकते, स्क्रीन को मूव या स्विच कर सकते, ठीक हो गया। ओके, फ्रेम लेआउट आप लोग यूज करेंगे, ओके, फ्रेम लेआउट आप यूज करेंगे जब आपके एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं, जब आपके एलिमेंट्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, एक पिक्चर के ऊपर दूसरी पिक्चर या टेक्स्ट या कोई स्माइली ऐड करनी है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रेम लेआउट। टेबल लेआउट हम यूज करेंगे जब आपने, टेबल में क्या होता है पहला, हमेशा रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो रो ग्रिड क्रिएट करनी है 2x2, 3x3, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेबल लेआउट यूज करते हैं, ठीक है।
अच्छा डायगोनल लेआउट वैसे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जो कि क्या करती है, क्रिएट ट्राइंगुलर पार्टीशन। ठीक है, ये क्या करती है आपकी, ट्राइंगुलर पार्टीशन करती है। ठीक है, देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब भी आपका एक बॉक्स होता है ना, या तो वो स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है, यहाँ पे जितने भी उनके बाय डिफॉल्ट लेआउट्स है, या तो वो स्क्वायर होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, माइक ऑफ कीजिएगा जिसका भी होगा। ओके, सो डायगोनल क्या करता है, ट्राइंगुलर फॉर्म में आपके लेआउट्स को कट करेगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, ट्राइंगुलर फॉर्म में अपने लेआउट्स को कट करेगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके, सो हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, दो प्रॉपर्टीज आ रही है। एंड्रॉइड में आपके पास क्या है, हर चीज से पहले एंड्रॉइड कॉलम आता है, हर चीज से पहले क्या आता है, एंड्रॉइड कॉलम। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज आ रही है, एक आ रहा है विड्थ और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, हाइट। विड्थ और हाइट सबको पता है, विड्थ होता है आपका एक्स एक्सिस में साइज, हाइट होता है वाई एक्सिस में साइज। ठीक है, तो याद रखे कोई भी आप एलिमेंट क्रिएट करते हो अपने एंड्रॉइड के फ्रंट एंड में, ये दो प्रॉपर्टी सब में कंपल्सरी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हर एक में क्या होंगी, कंपल्सरी होगी। एक होगी लेआउट विड्थ और दूसरी हमारे पास होगी लेआउट हाइट। यहां तक क्लियर? ठीक है, ये टैग आ गया, ये क्या आ गई, प्रॉपर्टी, और ये उसकी क्या आ गई, वैल्यू। ठीक है, जैसे देखिए रिलेटिव लेआउट एक टैग है, इसके अंदर एक बैकग्राउंड के नाम से क्या आ रही है, प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा देखो ना, मैं सिर्फ बी लिखता हूँ तो बी वाले सारे आ जाते हैं, इसमें ये फायदा काम करता है। देखो बी ए सी के बैक लिखा, ये आ गया जी बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपने कोई बैकग्राउंड कलर बता रहा है, यहाँ पे आपने कोई बैकग्राउंड कलर बता, तो मैंने कोई ए कलर कोड याद रख, 000 ब्लैक का था, 000 छोटा सा ब्लैक बॉक्स आ गया, इस पे क्लिक करें तो यहाँ से कोई भी कलर स्कीम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन लेआउट आया टैग, ये बैकग्राउंड क्या आया उसकी, प्रॉपर्टी, और ये ऑरेंज कलर क्या आ गया, उसकी वैल्यू। जितना भी काम होगा टैग्स प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज, इज दैट क्लियर? यस सर। यहां पॉइंट समझ आ गया सबको कि नहीं, अच्छा क्लियर हो गया? देखिए टैग प्रॉपर्टी में वैल्यूज वाला काम हुआ। ठीक है, अब देखते हैं विड्थ और हाइट का तो पता चल गया, अब इक्वल टू में वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, इक्वल टू में वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसने क्या दिया, मैच पेयर, जितना पेरेंट का साइज होगा उतना ही एलिमेंट का साइज होगा। मैच पेरेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अपना साइज सेट करती है किसके मुताबिक, पेरेंट। अगर एक इमेज जो है वो किसी बॉक्स में पड़ी है, उस बॉक्स का साइज है 800, इमेज को अगर मैच पेरेंट दोगे तो इमेज का साइज भी कितना हो जाएगा, 800। एक बॉक्स है वो 30% स्पेस ले रहा है, इमेज का साइज मैच पेरेंट दिया तो इमेज भी कितना ले लेगी, 30%। ये पॉइंट क्लियर है, जितना पेरेंट का साइज है उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसका पेरेंट कौन है, जो सबसे पहला एलिमेंट नहीं आ रहा, खुद क्या है, एक रूट एलिमेंट है, खुद क्या आ रहा है, रूट एलिमेंट। इसका पेरेंट होगा डिवाइस स्क्रीन जिस पे आप ऐप रन करोगे, इसका पेरेंट कौन होगा, डिवाइस स्क्रीन जिस पे आप ऐप रन, लैपटॉप पे रन करोगे तो लैपटॉप की वो फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, मोबाइल पे रन करोगे मोबाइल की, टैब पे रन करोगे। ठीक है, हम चाहते हैं, मतलब मोस्टली ये जरूरत होती है कि पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई किया जाए, पूरी स्पेस को यूटिलाइज किया जाए, तो हमेशा पहला जो एलिमेंट होता है वो हमेशा कितनी स्पेस लेता है, मैच पेरेंट। ठीक है, ताकि फुल, ये येलो कलर ऑरेंज कलर आइडेंटिफाई कर रहा है इसका साइज। ठीक है, तो फुल स्क्रीन क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, आपके पास फुल स्क्रीन क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। अब देखिए मैच पेरेंट के अलावा आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैच पेरेंट के अलावा एक प्रॉपर्टी होती है रैप कॉन्टेंट। रैप कॉन्टेंट थोड़ा सा पढ़ने से समझ आ रहा है क्या मतलब, वो जितना उसके अंदर कंटेंट होगा, जितना उसके अंदर क्या होगा, कंटेंट। हमने विड्थ कितनी रख दी है, जितना उसके अंदर अभी कोई कंटेंट पड़ा हुआ है इस लेआउट में,
नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल एक बटन बनाते हैं, अभी ये सारे बाद में बनाऊंगा, एक बटन बना लिया तो आप लोग देखिएगा इस लेआउट ने कितनी बिट्स ऑक्यूपाई कर ली, जितनी बटन के। ये होता है क्या, रैप कंटेंट, जितना कंटेंट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उतनी स्पेस हमारा लेआउट या पेरेंट भी ऑक्यूपाई करे, उसके लिए क्या यूज करते हैं, रैप। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ कर दू मैच पे और हाइट कर दू रैप कंटेंट, तो जो ऑरेंज स्पेस है वो कितनी जगह लेगा, विड्थ हो जाएगी 100% और हाइट हो जाएगी जितनी बटन की हाइट। ठीक है, ये होती है रैप कंटेंट। जब आपने पेरेंट के इक्वल करना है तब मैच पेरेंट, जब आपने डेटा के मुताबिक स्पेस देनी है तब रैप कंटेंट। ठीक है। तीसरी ऑप्शन होगी साइज इन यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या, 10, 20, 30, 100, 400, 300, जो आपने यूनिट्स में या न्यूमेरिकल डेटा पास करना। ठीक है, पिक्सल का सबको पता है। ठीक है, हमारे पास ना वेब में कह लो के स्टैंडर्ड यूज करते नहीं है, पीएक्स स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। ठीक है, अब जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उनमें स्टैंडर्ड पिक्सल यूज नहीं हो सकता, तो स्टैंडर्ड वो पिक्सल यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हर मोबाइल डिवाइस की जो पिक्सल्स हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मोबाइल पे रेजोल्यूशन होते हैं ना, इस सिंपल वर्ड में है, क्या किस डिवाइस का फिजिकली स्क्रीन साइज बड़ा है तो शॉर्टी उसकी रेजोल्यूशन भी ज्यादा होगी, छोटी से कि नहीं होगी, कि नहीं। इस मोबाइल की स्क्रीन कितनी है आपकी, लैपटॉप की कितनी है, हाँ तो क्या इसके रेजोल्यूशन ज्यादा है मोबाइल से। एंड्रॉइड में ये कोई अश्योरिटी नहीं है कि अगर आपके पास टैबलेट है तो उसके रेजोल्यूशन मोबाइल से ज्यादा होगी, नहीं, टैबलेट से मोस्टली कम होती है। ठीक है, तो डिवाइस की रेजोल्यूशन है वो स्क्रीन साइज से इंडिपेंडेंट है, स्क्रीन साइज से क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं एग्जांपल करता हूँ, मैंने इसकी हाइट रख दी 700 px। ठीक है, तो कह रहे हो इसकी टोटल हाइट कोई 1800 या 2000 होगी, उसके मुताबिक उसने 35% स्पेस दे, ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्सल लिखा आ रहा है आप सबको, इस पे क्लिक करो तो पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाती है, ये आपको सिर्फ हेल्प करता है कि एप्लीकेशन रन किए वगैरह डिफरेंट इन डिवाइसेस पे अपना लेआउट देख सकते हैं कैसा लगा है, इन डिवाइसेस पे अपना लेआउट देख सकते हैं कि वो कैसा लगा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे अब किसी भी डिवाइस का देखो, लेफ्ट साइड पे 6.3 क्या आ रहा है उसका पता चले, 6.3 क्या होगा, इंचीज में स्क्रीन साइज, उसके आगे 1440x3040 ये क्या आ रही होगी, रेजोल्यूशन आ रही होगी। ठीक है, और ये डीपीआई डॉट पर इंच होता है, ठीक है, इसको डीपी भी कहते हैं, ये उसके बाद क्या आ रहा है, उसका नाम आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये टैबलेट डिवाइसेज आ रही हैं, ये फोन डिवाइसेज आ रही हैं, ये वॉचेज आ रही हैं, और ये क्या आ रहे हैं, टीवी आ रहे हैं। मतलब आप बगैर एप्लीकेशन रन किए इन डिवाइसेज अपना लेआउट टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप डेवलपर है ना, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्या अगर दो मोबाइल फोन जिनका स्क्रीन साइज 6.5 है तो आप लोग खुद भी गौर करो, दोनों पे ऐप का लेआउट बिल्कुल सेम आता है कि नहीं, रेजोल्यूशन बेशक किसी की कम हो या किसी की ज्यादा हो, लेआउट क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारे पास टैबलेट में दो डिवाइसेज आ रही है, पहली दो दूसरी, स्क्रीन साइज दोनों का क्या है, 7.0। ठीक है, स्क्रीन साइज क्या आ रहा है, 7.0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों की रेजोल्यूशन क्या है, चेंज है। पहली वाली अगर मैं ओपन करता हूँ तो मेरे 700 ने तकरीबन कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया, परसेंटेज में करो तो तकरीबन 55 या 60% ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसे यूनिट यूज करना है जो हर 7.0 डिवाइस पे इतने परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, अब मैं 7.0 एक और डिवाइस पे देखता हूँ जिसके रेजोल्यूशन ज्यादा है, अब इस पे देखिए आपके पास ये कोई हाफ हो गया। ठीक है, तो आप रेजोल्यूशन पे अगर काम करेंगे तो आपके लेआउट खराब हो जाएंगे, लेआउट आपके पास क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है,
तो वहां पे डॉट पर इंच, या जब आपके पास फिजिकल साइज में आपने काम करना है तो हमेशा आप लोग यूनिट यूज करोगे डीपी। आप लोग यूनिट का यूज करोगे डीपी का भी ऐप बनाते हैं उसमें फाइल के अंदर डिफाइन करना होता है वो तो किसी फाइल को चेंजिंग होती रहेगी वो साइज डिफाइन करने का फाइल टू फाइल हो वो तो फाइल की हो जाएगी तो चेंज हो जाएगी तो वो टैबलेट पे चला जाता है। टैबलेट पर बहुत छोटी छोटी आ रही है उसका भी आगे जाके देखेंगे क्या तरीका होता है। ओके अब हाइट में मैंने दे दिया 500 डीपी, हाइट मैंने कितनी दे दी 500 डीपी, तकरीबन 50% स्पेस आ गई। अब मैं 7.0 कम रेजोल्यूशन या ज्यादा रेजोल्यूशन दोनों पे चलाऊ तो दोनों पे लेआउट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। याद रखो जब भी आपने यूनिट्स में काम करना है जो आप वहां पर एक पैरामीटर या मेजरमेंट के लिए यूज करोगे वो क्या होगा? डीपी। हमारे पास क्या होगा? डीपी होगा। यहाँ पे पॉइंट समझ आया? तो ये जो बाय डिफॉल्ट आपका बेसिक कोड आ रहा था इतना क्लियर हो गया सबको? टैग्स किस तरह शुरू होने हैं, प्रॉपर्टीज किस तरह आनी है, इज इक्वल टू के बाद वैल्यूज हमेशा डबल कोट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? डीपी यूज करना है 10, 20, 30 जब भी आप यूनिट्स में वैल्यूज न्यूमेरिकल दे रहे हो साथ डीपी यूज। डॉट पर इंच से आपके पास निकला ठीक है पिक्चर वाली डीपी। ओके सो अब ये देखें ये मेरा रिलेटिव लेआउट है, ये मेरे क्या आ गई रिलेटिव लेआउट की सारी प्रॉपर्टीज आ गई और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट क्या हो गया? क्लोज हो गया। और यहाँ पे उसका क्या आ रहा है? क्लोजिंग टैग। यहाँ पे उसका क्या आ रहा है? क्लोजिंग। ये ऑरेंज बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिलेटिव लेआउट को, ये उसका कलर है ठीक है। अब यहाँ पर हमने उस रिलेटिव लेआउट में कोई एलिमेंट्स पुट कर दिया, आपने क्या करना? कुछ ना कुछ एलिमेंट्स पुट करना ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट हम देखते हैं वो आपके पास है टेक्स्ट व्यू। सबसे पहले हम एक एलिमेंट देखते हैं किस नाम से आ रहा है? टेक्स्ट व्यू के नाम से आ रहा है ठीक है। तो मैं रैंडमली स्क्रीन कलर कुछ इस तरह का ले लेता हूँ, ग्रेस सा। ओके ठीक है। सबसे पहले हमेशा टैग किससे स्टार्ट होना है? लेस देन के साथ। जैसे मैंने एंटर किया इसने कोड थोड़ा सा फुट कर दिया कि नहीं? ये कंपल्सरी है। हाइट और विड्थ आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है? कंपल्सरी है। क्या रखूं जी हाइट और विड्थ? टेक्स्ट व्यू आप लोग बताएं। टेक्स्ट व्यू तो एक बॉक्स आ गया जिसके अंदर क्या आना है? टेक्स्ट आंसर इंग्लिश उर्दू और भी किसी भी लैंग्वेज ठीक है। अगर आप उसको मैच पेरेंट करते हो तो हमारी टेक्स्ट व्यू कितनी स्पेस लेगी और पेरेंट की कितनी है? तो क्या हमारे टेक्स्ट व्यू ने पूरी स्क्रीन साइज ले ली कि नहीं? पूरी मोबाइल फोन में टेक्स्ट के अलावा कुछ और आ सकता है? तो पूरी स्पेस किसने ले ली है? टेक्स्ट व्यू को आपने कभी भी मैच पे नहीं। दोबारा सोचो कितनी वैल्यू क्या दें? रैप कंटेंट कर दें या 100-200 दें? सोचो मैच पे रन करना सर। नहीं मैच पे रन नहीं करना, वो तो फुल स्पेस ले लेगा सर। वैल्यू लिखेंगे 100 100 भी लिख सकते हैं ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच हम यहाँ पे क्या लें? रैप कंटेंट। रैप कंटेंट का मतलब ये है कंटेंट बढ़ेगा तो स्पेस भी बढ़ जाएगी ठीक है। कंटेंट बढ़ेगा तो स्पेस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़। ये रैप कंटेंट का काम है। ये किसका काम आ रहा है? रैप कंटेंट। ये पॉइंट समझ आया ठीक है? हम वैल्यूज में रखते हैं तो टेक्स्ट उससे बाहर जाने लगा, उससे बाहर जाने लगा नजर नहीं आएगा एग्जैक्टली ठीक है। अगर हम हाइट फिक्स रखते हैं रैप कंटेंट में क्या होगा? वो अगली लाइन पे आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना, किसी ने कमेंट बड़ा लंबा किया तो वो ज्यादा स्पेस ले लेता है, किसी ने छोटा कमेंट लिया तो वो कम स्पेस ले लेता है ठीक है। टेक्स्ट को हमेशा 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 साइज कर दो ठीक हो गया जी। अब उसके लिए प्रॉपर्टी आ रही है TEXT, यहाँ पे आ गया जी एंड्रॉइड कलर टेक्स्ट। टेक्स्ट साइज भी आ गया, कलर भी आ गया, स्टाइल भी आ गया, सारी प्रॉपर्टीज आ गई टेक्स्ट की। सबसे पहले हम टेक्स्ट में लिखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन ठीक है, वो आपको छोटा सा शो हो रहा है फर्स्ट
एप्लीकेशन, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे किया text text color, अगर हम इसको white दे देते हैं, white color का आ गया, ठीक है। फिर हम देते हैं text size, ठीक हो गया। text size मैंने दे दिया 22 डिग्री, text थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में तो बोल्ड या इटैलिक, हमने दे दिया इसको इटैलिक, ठीक हो गया। फिर होता है आपके पास फॉन्ट फैमिली, जो कि डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, हमने मोनोस्पेस दे दिया, तो आपका कुछ इस तरह सा फॉन्ट स्टाइल अपना है। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपके पास यूज होगी टेक्स्ट में। रिस्पॉन्सिबल है जब भी आपने पहले हेडिंग, पैराग्राफ, साइन, डिस्क्रिप्शन, कमेंट्स, मैसेज, टाइम, किसी भी चीज को शो करना, किसी भी चीज को आपने शो करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास पहले एक सिंपल सा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। टेक्स्ट यूज होगा जब भी आपने कोई कॉन्टेंट वगैरह यहाँ पर यूजर को शो, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, क्या मेरी एप्लीकेशन में 3-4 टेक्स्ट हो सकते हैं कि नहीं, 5-6 भी हो सकते हैं, सबका कलर सेम हो सकता है, सबका साइज सेम हो सकता है, कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो के सबको डिफरेंशिएट, एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जो दो टैग्स में डुप्लीकेट ना हो, तो उस प्रॉपर्टी के लिए हम फ्रंट एंड में यूज करते हैं आईडी। उस प्रॉपर्टी के लिए हम क्या यूज करते हैं, आईडी। आप यहाँ पर सिंपली लिखे आईडी, वो आपको खुद ही देगा एंड्रॉइड कॉलन आईडी। ये देखो सिंपली मैंने आईडी लिखा, पूरा का पूरा लिखा आ गया कि नहीं। Yes. उसके बाद होता है @plus id/, वो भी आपके एंड्रॉइड स्टूडियो ने खुद लिख दिया, ठीक है, हो गया। इसकी आईडी, इसको यूनिक करना है, इसकी आईडी मैंने रख ली txt text, इसकी आईडी मैंने क्या रख लिया text। अब इस पूरी फाइल में कोई भी दूसरा ऐसा टैग नहीं हो सकता जिसकी आईडी क्या होगी, txt text। आईडी एक टैग को दूसरे टैग से क्या कर रही है, यूनिक या डिफरेंशिएट, ये तक पॉइंट समझ आया। आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं, जैसे इसी की मैं एक और कॉपी बनाता हूं, एरर आ गया कि वो कह रहा आईडी क्या है सेम है, अब इसको बंद करूंगा तो एरर आपका चला गया, इज दैट क्लियर, ये पॉइंट समझ आया कि नहीं। एग्जैक्टली, किसी चीज को आपने यूनिक करना है तब हम आईडी यूज करेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ले जी, ये तो थी आपकी टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू को आपने पैकेट में हैंडल करना है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट व्यू को आपने क्या करना है, पैकेट में हैंडल करना, यानी इससे डेटा या तो फेच करना सीखें, या इससे डेटा इसको अपडेट, चेंज करना, रिमूव करना, हाइड करना, वो सारी चीजें, ठीक है। अब हमने क्या, मतलब मेन जो हमारा टास्क है वो क्या है, हमने बैकएंड और फ्रंट एंड एलिमेंट्स को कनेक्ट किस तरह करना है, हमने बैकएंड और फ्रंट एंड एलिमेंट्स को कनेक्ट, क्योंकि देखो ना, जो बटन क्लिक पे कोड होगा, कोड एग्जाम्पल में होगा जावा में, बैकएंड में होगा फ्रंट एंड में, एग्जाम्पल तो फ्रंट एंड के लिए, और जो जावा कोड होगा वो बैकएंड में, तो रन टाइम पे जितना भी कोड चलता है वेबसाइट में होता है, जावा में, जावा रन टाइम पे जो जो चल रहा है वो क्या होगा, जावा। रन टाइम पे आपने टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट डाटा देना है तो वो एग्जाम्पल में नहीं हो सकता, वो कहाँ पे होगा, जावा। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। हमने देखना है कि इस टेक्स्ट व्यू को हम जावा में किसी तरह से कंट्रोल कर सके, इस टेक्स्ट व्यू को हम जावा में किसी तरह से कंट्रोल कर सके, ठीक है। रूल आपके पास सिंपल है। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है टेक्स्ट कलर, हम टेक्स्ट कलर किसी जगह पे क्लिक करके भी तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो क्लिक करके चेंज होने का कोड होगा वो कहाँ पे होगा, पैकेट वन टाइम पे जितना भी काम हो रहा है वो कहाँ पे होगा, जावा। अब देखते हैं कि आपने कनेक्ट किस तरह करना है, देखते हैं कि आपने कनेक्ट किस तरह से करना, ठीक है। कनेक्शन बनाने के लिए भी क्या यूज होगा, कनेक्शन बनाने के लिए भी क्या यूज होगा, आईडी, ठीक है। फिलहाल इतना कोड समझ आ गया अच्छी तरह, यहाँ तक क्लियर हो गया। फ्रंट एंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप लोग टैग्स क्रिएट करोगे, फ्रंट एंड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप क्या करोगे, टैग्स,
बैकएंड में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे आप क्या क्रिएट करते रहेंगे? हाँ, कंपोनेंट्स, क्लासेस। आप क्या यूज करते रहेंगे? क्लासेस। बड़ा ही ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है। फ्रंट एंड में कोई भी एक टैग पड़ा, जैसे हमने क्या यूज किया, बैकएंड पे टेक्स्ट व्यू की जावा क्लास पर, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। बैकएंड में अगर एक टेक्स्ट व्यू का टैग पड़ा है तो बैकएंड में एक टेक्स्ट व्यू की जावा क्लास हो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो जावा में क्या होगा? बटन की क्लास। अगर मैं वहां पे बटन के तीन टैग्स ले रहा हूँ तो जावा में उस बटन क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स, क्लास में से एक होती है, याद रखो। क्लास में शेयर एक होती है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास जितने मर्जी हो सकते। पॉइंट समझ आ रहा है? फ्रंट एंड में टैग्स होंगे, बैक एंड में क्लासेस। आपने पांच टैग्स लिए हैं, उनको बैक एंड में कनेक्ट करने के लिए उस क्लास के पांच क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स। ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हम दोबारा रिपीट करते हैं, किस नाम से है मेरे पास क्लास? टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो भी किस नाम से होगा? ये देखो TEXT, लो जी ये ब्रीड पॉइंट क्लास आ गई कि नहीं? एंटर किया उसने, देखो इंपोर्ट भी कर दी कि नहीं? समझ आया? उधर टैग होगा, उधर जावा क्लास, क्लियर है कि नहीं? अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, ऑब्जेक्ट नेम क्या रखें? कुछ भी रख सकते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन या कुछ और ऑब्जेक्ट नेम, ये भी रख सकता हूँ, तो मसला तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छी अप्रोच किया, मिलता जुलता किससे होना चाहिए? जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। समझता तो क्या करते हैं, अगर एक बटन आ रहा है जिसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, अच्छी अप्रोच है, उसकी आईडी 123 भी रख सकते हो ना, लेकिन क्या रखें? लॉगिन। वेरी गुड, पॉइंट समझ आया कि नहीं? एक बटन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, उसकी आईडी फॉरगेट रख लें तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा सर। ये अब उसका बैकएंड जावा में कनेक्शन क्रिएट करना है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट नेम भी क्या रख, वहां पे ऑब्जेक्ट नेम भी क्या रख लें, ताकि आपको कोड पढ़ने में आसानी हो, आपको फौरन पढ़ने से पता चल जाए कि ये बटन या ये टेक्स्ट व्यू किस फ्रंट एंड के साथ है। तो क्लियर हो? ओके, अब इसकी आईडी क्या रखें, बहुत ही अच्छी हो, हमने इसकी आईडी रख ली, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नेम है वो भी क्या रखना है? आउटपुट, ताकि आपको याद रहे कि मैं इस आउटपुट का इस फ्रंट एंड के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूं। ये पॉइंट है, समझ, ठीक है। ये तो बन गया एक ऑब्जेक्ट, उधर टैग क्रिएट किया, टैग में प्रॉपर्टी सेट की, इधर क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किस तरह करना है, पीछे काम रहेगा कि इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किस तरह करना है। कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर्टी कौन सी थी, यूनिक बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी? आईडी। आईडी के थ्रू कनेक्ट करना, याद रखो हमेशा किसके थ्रू कनेक्ट करोगे? आईडी। ले जी, कोई मुश्किल काम नहीं, बस एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड, सिर्फ फंक्शन आपको याद, फंक्शन का नाम है फाइंड व्यू बाय आईडी। सिर्फ आप फाइंड लिखो, उसने पूरा पूरा दे दिया, व्यू एक फाइंड कर रहे हैं, किसको यूज करते हुए? नाम से आइडिया हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देनी होगी आईडी, यहाँ पे क्या देनी होगी? आईडी। आईडी में से एक्सेस होती है आर डॉट आईडी डॉट, हमने क्या रखी थी आईडी? ले जी, ये हमारे पास इस आउटपुट का इसके साथ कनेक्शन है, ये एक लाइन का कोड है, दैट्स इट। जी हम छोटा सा एक काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है, ये आउटपुट किसको कंट्रोल कर रहा है? इस फर्स्ट एप्लीकेशन को। ऐसे ही है, मैंने एक फंक्शन यूज किया आउटपुट डॉट गेट टेक्स्ट, ये क्या करेगा? जो उधर आउटपुट में टेक्स्ट पड़ा होगा उसे गेट कर देगा। डॉट टू स्ट्रिंग, जो डेटा टेक्स्ट में है उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? स्ट्रिंग में। तो मेरे पास
स्ट्रिंग एस, एस में आप लोग बताएं क्या स्टोर हो गया, और डाटा क्या पड़ा है? तो हमारे पास क्या फ्रंट एंड से डाटा आकर एक स्ट्रिंग के वेरिएबल में सेव हो गया कि नहीं? अब मैं स्ट्रिंग पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं? ये पॉइंट समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओहो, इसका इसके साथ क्या हो गया? कनेक्शन बिल्ड हो गया, ठीक है। अब यानी इस टेक्स्ट व्यू को ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किस नाम से, ये कंट्रोल कर रहा है। इस टेक्स्ट व्यू को ये वाला ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ये लॉजिकली थ्योरेटिकली समझ आया? ले जी, अब अगर मैं करता हूं, अच्छा एक छोटा सा फंक्शन है, इसको आगे जाकर भी देखेंगे, आउटपुट डॉट सेट विजिबिलिटी। ये उसकी विजिबिलिटी को क्या कर देगा? हाइड। अगर इस आउटपुट के साथ विजिबिलिटी हाइड करता हो तो कौन हाइड हाइड हो जाएगा? फ्रंट एंड का सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है, वो क्या हो जाएगा? पॉइंट्स हो जाए। तो हम फ्रंट एंड को बैक एंड में अब कंट्रोल चेंज गेट सेट करवा रहे हैं, सारे काम कर। तो पहले कनेक्शन बिल्ड करना है, फिर उसके साथ हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। क्लियर हुआ पॉइंट? जी, अब जो ऑपरेशन मैंने करना है वो ये है, मैंने किया आउटपुट डॉट सेट टेक्स्ट, सॉरी गेट टेक्स्ट। ये क्या कर लेगा? आउटपुट में जो डेटा पड़ा हुआ उसको गेट कर लेगा। और हम मोस्टली जो डेटा टाइप कौन सी यूज करते हैं? स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग का फंक्शन जो भी डेटा पड़ा उसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जो फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे रिट्रीव हो गया कि नहीं? और अगर हम एक स्ट्रिंग एस में इस तरह करें तो किसमें स्टोर होगा? यहाँ पे जो जो प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ना, वो जावा में भी कर सकते हैं, वो आप जावा में भी कर सकते। यहाँ तक क्लियर हुआ सब? ये पॉइंट समझ आया अच्छी तरह? ओके, अब फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है तो मैंने ऑन क्रिएट का टोस को जरा किया खत्म। मैं क्या करता हूँ, ये टोस की कमांड जो कल यूज की थी कॉपी किया, कल की वाली कमांड याद है कि नहीं? क्या करती है? स्क्रीन से मैसेज डिस्प्ले कर देगी। अब हमने शो क्या करवाया? वो एस क्या कर रहा है? टेक्स्ट लिखा उसको डिस्प्ले कर देगा। ये पॉइंट समझ आया? हमने छोटा सा ऑपरेशन ये परफॉर्म किया कि जो डाटा स्क्रीन पे पड़ा था उसको फेच करवा के यूजर को डिस्प्ले कर। अच्छा जी, इसको एकदम रन करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जैसे ही चलेगा ये हमें यूजर को विजिबल होगा, ये नजर आएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका ऑन क्रिएट फंक्शन चलेगा, इस लाइन ने क्या किया? डेटा पड़ा था उसे फेच किया और उस डेटा को क्या करवा दिया? क्लियर हो? ये फर्स्ट एप्लीकेशन ये टोस्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा आया था और यहाँ स्क्रीन के बॉटम पे क्या हो गया? एप्लीकेशन बंद की। मैं इसे दोबारा चलाता हूँ। सबसे पहले क्या आ गया? फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो गया। जी, एक्टिविटी के अंदर मैं एक और अब एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, किस नाम से? बटन के नाम से। जैसे देखो टैग लिया, सिर्फ बी लिखो, बी से सबसे पहले नहीं पता, ठीक है, क्लियर हो गया। बटन को मैंने विड्थ दे दी, फॉर एग्जांपल मैच पेरेंट, हाइट दे दी 100 dB, तो 100 dB के ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर रैप करेंगे, यहाँ पर भी रैप कर सकते हैं, यहाँ पर भी रैप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? एक बटन आ गया, एक बटन। अब बटन की देखो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? टॉप लेफ्ट। एक्स की भी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या थी? टॉप लेफ्ट।
तो ये आप अपने रिलेटिव लेआउट में सारे एलिमेंट्स की डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लेआउट अंडरस्कोर बिलो, हमारे पास प्रॉपर्टी है लेआउट अंडरस्कोर बिलो। आपको अगेन पूरा याद रखने की जरूरत है, सिर्फ क्या लिखो BELO आ गया कि नहीं बिलो, ये आपसे क्या मांग रहे आईडी जिसके बिलो रखना, इस बटन को जिसके हम किसके बिलो रखना चाहते हैं आउटपुट के, तो यहाँ पे क्या लिख दो आउटपुट। तो देखो बटन उसके नीचे आ, बटन हमारे पास क्या आ गया उसके नीचे आ, ये देखो ये बटन है। अब इसको भी चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड टिंट के नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मैंने व्हाइट दिया तो बटन व्हाइट कलर का हो गया, ठीक है। इस बटन का कलर अब यहाँ से अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, ये मैंने बटन कलर रखा, ठीक हो गया। फिर बटन का मैंने टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे शो कर दिया क्लिक मी टू अपडेट। लो जी ये बटन का टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट कलर की आपके पास अगेन ऑप्शन है, ब्लैक रख लें ताकि विजिबल रहे। लो जी बटन पे क्या लिखा आ गया क्लिक मी टू हो गया, एक बटन बन गया, ये क्या बन गया आपके पास एक बटन, ना तो क्लियर। लो जी अब बटन के क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन की जगह को शो शुरू करे, बस बटन के क्लिक पे क्या होना चाहिए फंक्शन कॉल हो जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन की जगह आपको कुछ और अपडेट कर दिया, कुछ और शो करने क्लिक करने, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने बटन का क्लिक किस तरह से हैंडल करना है, हम देखते हैं कि बटन का जो क्लिक है हमने किस तरह से हैंडल या कंट्रोल करना है। देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है ऑन क्लिक, प्रॉपर्टी किस नाम से आ रही है ऑन क्लिक, ठीक है। और ऑन क्लिक में आपने एक फंक्शन बताना है, फंक्शन में शकावत है बैकएंड, तो हम बैकएंड की ये फाइल में गए, ऑन क्रिएट का फंक्शन एक आ रहा था, अब हमने एक फंक्शन बनाया वेट और फंक्शन का नाम क्या रख दिया। अब ये एक सिंपल जावा फंक्शन, ये सिंपल क्या आ रहा है जावा फंक्शन आ रहा है, हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जो कब चले जब यूजर बटन पे क्लिक करे। तो उसमें कुछ चीजें याद रखनी है, उस बटन का जो एक्सेस है वो पब्लिक होनी चाहिए, बटन की जो एक्सेस है वो क्या होनी चाहिए पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है। उस फंक्शन की रिटर्न टाइप हमेशा 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 क्या होनी चाहिए वॉइड, ठीक है। और इसके पैरामीटर में आपके पास आना चाहिए एक व्यू का ऑब्जेक्ट, पैरामीटर में क्या आना चाहिए व्यू का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आप रूल्स फॉलो करेंगे तभी आप इस बटन इस फंक्शन को बटन क्लिक पे चला सकते हैं, तभी आप इस फंक्शन को बटन क्लिक पे चला सकते हैं, ठीक है। दोबारा करता हूँ, मैं दोबारा फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अब मैंने देखो बल्कि यहाँ पे मैंने क्या किया ऑन क्लिक पे मैंने कह दिया जी एक फंक्शन होना चाहिए जावा फाइल में किस नाम से अपडेट के नाम से, ठीक है। फंक्शन की जो एक्सेस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए फंक्शन की रिटर्न टाइप हमेशा क्या होना चाहिए फंक्शन का नाम एग्जैक्टली वही हो जो हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पे क्या रखा है यहाँ पे भी नाम क्या हो UPDATE अपडेट, ठीक हो गया। और पैरामीटर में क्योंकि फ्रंट एंड से कॉल हो रहा है इसलिए क्या सा पैरामीटर जरूरी है व्यू का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया ये कब कॉल होगा जैसे यूजर बटन पे क्लिक करें, ये फंक्शन कब कॉल होगा जैसे यूजर बटन पे क्लिक करें, यहां पे पॉइंट समझ आया। सो अब देखिएगा यहां पर हमने क्या किया इस टेक्स्ट व्यू को अपडेट करना, इस टेक्स्ट व्यू को क्या करना है अपडेट। तो ये सब्जेक्ट का नेम है, यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है क्या ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सेसिबल होगा कि नहीं, अभी बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस तरह ग्लोबल बना दें तो पूरी क्लास में एक्सेस हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ये रूल याद रखना है जिस चीज को आपने पूरी क्लास में एक्सेसिबल बनाना है उसको क्लास के अंदर बनाओ, जिस चीज को सिर्फ फंक्शन के अंदर जैसे एस है
फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल बनाना है, उसे फंक्शन में क्रिएट करना है, क्लियर? तो जी हम फंक्शन कॉल करते हैं आउटपुट डॉट सेट एक्स, हमने फंक्शन कॉल किया किस नाम से, आउटपुट डॉट सेट एक्स, और यहाँ पे कोई मैसेज दो डेटा इज अपडेटेड, हमें मैसेज हमें क्या शो कर दिया डेटा इज अपडेटेड। तो ये कॉल या कब चलेगा, जैसे यूजर क्या करेगा बटन पे, जैसे यूजर आपके पास क्या करेगा बटन पे यहाँ पे पॉइंट समझ आए, ठीक है जी। हमने क्या किया, जैसे यूजर आपका बटन पे क्लिक करेगा तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन का टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपके पास क्या हो जाएगा, अपडेट चेंज, आपके पास अपडेट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। इसे क्लिक करें डेटा इज अपडेट, ठीक है इतना काफी है, आ जाएगा। दोबारा रन करते हैं, ये रैप कंटेंट किया तो इसने नीचे ही आएगा, ये देखो हाँ नीचे हो जाएगा बटन ऑफिस नीचे हो जाएगा क्योंकि उसके बिलो की प्रॉपर्टी। सर अगर मैं चाहूँ कि क्लिक मी टू अपडेट पे क्लिक करूँ और टोस्ट ऑप्शन की तरह ही नीचे ये मैसेज शो कि डाटा इज अपडेटेड, ठीक है वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो ले जी इसी फंक्शन के अंदर वो टोस का कोड आ जाएगा कि नहीं, ये वाला ये जो हमने टोस क्रिएट किया यहाँ पर पुट किया और एस की जगह लिख दिया डेटा अपडेटेड, ठीक है हमने क्या मैसेज शो कर दिया, तब साथ साथ आपका टोस भी आ जाएगा। बटन क्लिक पे आप जो भी इस फंक्शन के अंदर कोड लिखोगे वो इसके क्लिक करने से चलेगा, उसे क्लिक करने से चलेगा। हम रिस्टार्ट की, अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे अपडेट के साथ साथ एक मैसेज भी शो हो जाएगा डेटा अपडेटेड, ठीक है ये देखो मैंने डेटा अपडेटेड, ये पॉइंट समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है ओके। आज का बस एक लास्ट कंपोनेंट में देखना है, एक फील्ड है क्योंकि एक और हम बटन बना, अब एक बटन बनाया दो बटन बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, एक और बटन बनाया इस तरह से, ठीक है इसको हम बिलो कर देते हैं, बल्कि बिलो करने के पहले इसकी भी आईडी बनानी पड़ेगी कि नहीं, इसकी आईडी मैंने ले ली अपडेट, देखो नाम और आईडी मिलती जुलती लो जो ये काम कर, इसकी आईडी क्या ले ली अपडेट, ठीक है नीचे एक बटन आया और इसको बिलो किसके कर दूं बोला अपडेट के, तो किसके नीचे आ जाएगा अपडेट, ठीक है यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी टू एड डेटा। अब हम क्या करते हैं, क्लिक करने से आपका कोई न्यू डाटा उसमें अपेंड हो या ऐड, ठीक है अगेन इस पे क्लिक करें तो डाटा अपडेट हो जाए, इस पे क्लिक करें तो डाटा ऐड हो जाए, ठीक है। तो लो जी जिस तरह हमने अपडेट का फंक्शन बनाया है, इस बार फंक्शन किस नाम से बना दी, सारी चीजें मिलती जुलती ही रखती है ताकि कोड पढ़ना आपके लिए आसान। लो जी ऐड का आ गया, अब जिस तरह ये फंक्शन बनाया है बिल्कुल उसी तरह फंक्शन बनेगा, लेकिन नाम क्या हो जाएगा दोबारा देखने, नाम क्या होगा ऐड, ये समझ में आती है कि नहीं। तो इस तरह आपने दो बनाए हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपको छह की जरूरत है और छह भी बन जाएंगे, मसला तो नहीं है, ठीक है आईडी नेम चेंज करें, ठीक है तो उतरे बाकी प्लेसमेंट अभी मैं सिखाऊंगा कि कोने पे करना है नीचे करना है, ये जो पीक में है इंडेक्स पे लगाइए, नहीं नहीं अभी हम एक स्क्रीन में है, अभी सारा काम एक स्क्रीन में ही हो रहा है, ये देखो एक स्क्रीन में। तो जी ऐड का फंक्शन आ गया, हम करते हैं आउटपुट, हमने डॉट सेट एक्स क्या कर रहा था, डेटा सेट कर रहा था, हमारे पास एक फंक्शन होता है अपेंड का, अपेंड का मतलब होता है पिछला रिमूव किए बगैर नया डेटा ऐड, अपेंड का मतलब वही है कंकैटिनेट, अपेंड का मतलब क्या है कंकैटिनेट, और कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है पिछला डेटा रिमूव किए बगैर नया डेटा क्या कर दो ऐड कर, क्या ऐड करना चाहते हो नया डेटा इस तरह मैंने क्या करवा दिया शो करवा दिया। अब जैसे क्लिक करूंगा तो पुराने डाटा में जो न्यू वाला मैसेज आई क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो ये देखो अब हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आउटपुट पे लगा रहे हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस पे लगा रहे हैं, आउटपुट पे लगा रहे हैं। यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं अच्छी तरह, ठीक है। ये रन किया, अपडेट करूंगा तो डेटा में ये आ जाएगा, एड करूंगा तो इसके साथ साथ ये आ गया, पेंट होता जाएगा कि नहीं, फिर ऊपर वाला दबाएंगे तो फिर वही आएगा। हाँ आप बताओ ऊपर वाला दबाएंगे तो क्या आएगा, वो क्लिक में अपडेट का ये आ गया, तो उसकी आ गया और किसकी वजह से हो रहा है, इस फाइंड व्यू बाय आईडी की वजह से। लास्ट कंपोनेंट हम देखते हैं, हम एक और एलिमेंट देखते हैं आज का, एडिटेक्स। तीसरे एलिमेंट किस नाम से आ रहा है, एडिटेक्स। एडिटेक्स यूज होते हैं जब अपने यूजर से इनपुट्स लें, वो एक बार से तो नहीं आती है, जिस पर क्लिक करो नीचे से कीबोर्ड निकल आता है, उसके लिए यहाँ पे कौन सा टैग अवेलेबल है, एडिटेक्स। इसकी विड्थ राइट आप लोग बताओ कितनी रखो, इसकी हम लैब रखते हैं। देखो एडिटेक्स में बाय डिफॉल्ट डाटा कुछ भी होता है कि नहीं, इसका फिक्स रखना होता है, क्योंकि इनपुट में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं पड़ा तो वो साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो नजर नहीं है। एडिटेक्स पे थे, ठीक है, विड्थ हमने रख ली, मैच पेरेंट आइटम ने गेन रख ली, रैप कंटेंट। अब बाय डिफॉल्ट ये भी कहाँ पे आ रही है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, बाय डिफॉल्ट ये भी कहाँ पे आएगी, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। इसको हम किसके बिलो करते हैं भला, ठीक है, तो ये ब्लैक से कलर की बार आ रही है, ये आपके पास एडिटेक्स है, बस क्या आ रही है आपकी एडिटेक्स आ रही है, ठीक है। इसकी आईडी क्या रखें बोला, इसकी आईडी कुछ भी रख सकते हैं, ईडी एडिट कुछ भी रखें, लेकिन अच्छा है क्या रखें, ठीक है, ताकि आपको याद रह गए यूजर से, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एडिटेक्स का, सॉरी क्लास उधर जो बनाएंगे एडिटेक्स की, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टैग किस नाम से है, तो जिस तरह टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, अब किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, एडिटेक्स, ठीक है। ये देखो जितने भी टैग्स हैं हर एक के अगेंस्ट क्या पड़ी हुई है आपके पास, जावा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम आप लोग बताओ क्या रखो, ये तो ऑब्जेक्ट नेम क्या रखूं, इनपुट, ताकि दोनों फेमिलियर हो, आपको कोड करने में क्या हो आसानी। अब ये वाला कोड आप बताएं, कनेक्शन बनाना है, इनपुट, ठीक है, उसके बाद बिल्कुल ठीक, फाइंड व्यू बाय आईडी, इधर क्या आ जाएगा, लो जी ये हर प्रोजेक्ट, ये काम तो हर प्रोजेक्ट में चलेगा, इतना सा काम है बैकएंड और फ्रंट एंड का कनेक्शन क्रिएट करना। अब हम क्या करते हैं, अपडेट के फंक्शन में हम करते हैं स्ट्रिंग ed इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इनपुट से, और किसमें स्टोर हो रहा है, ed में, ठीक है, और हम सेट टेक्स्ट में पास कर दें ed ना जी। अब अपडेट का फंक्शन बताया डाटा कहां से लेके सेट करवाएगा, अपडेट का फंक्शन अब क्या करेगा, जो एडिटेक्स में आप लोग लिखोगे क्लिक करोगे वो डाटा यहाँ पे क्या शो, वहां पे क्या हो जाएगा, शो या सेट हो जाएगा। एडिटेक्स यूज ओवर डाटा इनपुट के लिए, टेक्स्ट यूज ओवर डाटा आउटपुट के लिए। रन टाइम पे कोई कोड एक्स्ट्रा फीचर रन करना है उसके लिए हम क्या यूज करते आएंगे, बटन यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते आएंगे, बटन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है सारा, रन करें। नहीं जी ये बार सी आ गई हमारे पास जहाँ, अच्छा इसमें ना एक्चुअली एमुलेटर में डिसेबल होता है कीबोर्ड, यही ऐप मोबाइल पे रन करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने कुछ डाटा पुट किया, जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगा ये डाटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने कुछ भी नंबर लिखा, जैसे क्लिक किए नंबर यहाँ पर क्या हो गया, अब कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखता, क्लिक करता हूँ तो ये एम्प्टी स्पेस की हो जाएगी, यहाँ पे क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा फिलहाल के लिए बैक एंड और फ्रंट एंड कनेक्शन समझ आया अच्छी का, क्लियर हो गया कि नहीं? सर ये बैकग्राउंड में ये जो है कलर, इसकी जगह पे हम पिक्चर भी दे सकते हैं? बैकग्राउंड में पिक्चर दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें मैं कोई पिक्चर अपने इस कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे मेरे पास पहले पिक्चर देखें, डाउनलोड में शायद पड़ी, ये फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सएप की तस्वीर पड़ी है, ठीक है? हाँ जी ठीक है, इसको मैंने किया कॉपी, ठीक है ठीक है। फोल्डर था बोला, हमने बताया था पिक्चर्स किस फोल्डर में आती है, ड्राइव, ठीक है? यहाँ पर जाके कर पेस्ट, ठीक है? और इसका नाम रख लिया बी ए सी के जी आर ओ यू एन डी बैक, इसका नाम क्या रख लिया? क्या करना है, फ्रंट एंड में जाए, जहां पे बैकग्राउंड में क्या लिखा होगा, कलर कोड ड्राइबल स्लैश बैकग्राउंड, तो ये आपकी वो पिक्चर क्या होगी है सेट। एक्चुअली वो पिक्चर अब क्योंकि लैंडस्केप है, हमारा मोबाइल क्या है पोर्ट्रेट, इसलिए वो स्ट्रेच हो गया।